नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे हम लोग 4 फोटो या 5 फोटो को इक्वल हिसाब से कैसे उसे उसका साइज कैसे बढ़ाते हैं, उसका साइज कैसे घटाते हैं, उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे फ़ोटो का इक्वल हिसाब से। और 5 फोटो हो चाहे 4 फोटो हो या 2 फोटो हो, अगर उसको रोटेट करना है समांतर रूप से, उसे रोटेट करना है एक साथ रोटेट करना है तो क्या करेंगे, प्लस उसका बीच का जो स्पेसिंग है इक्वल हिसाब से उसको कैसे एक ही लेवल में उसको कैसे छोटा बड़ा कैसे करते हैं। जैसे देखिए इन फोटो को अगर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, तो देखिए बीच में गैपिंग भी आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग से सबको लगा रखा है तो गैपिंग भी इक्वली बढ़ेगा, प्लस फोटो भी इक्वली साइज उसका बढ़ेगा। तो ये कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या करना होगा। तो पहले आप एक एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। अब देखिए ये 5 फोटो, 1, 2, 3, 4, 5 फोटो दिख रहा है। अब मैं देखिए इसको इक्वली, इसका देखिए साइज मैं इंक्रीज करता हूँ। ये देखिए ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए 5 फोटो देखिए बराबर रूप से, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। अगर छोटा करता हूँ देखिए इक्वली, देखिए छोटा भी हो रहा है, देखिए इक्वली एकदम छोटा हो रहा है, देख सकते हैं। ये देखिए 5 बराबर रूप से यहाँ पे छोटा हो रहा। अगर इसको मैं आपका वर्टिकली अगर ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो 5 जो फोटो है देखिएगा इक्वली ऊपर की तरफ 5 एक ही साथ देखिए ऊपर ही देखिए बड़ा हो रहा, देख सकते हैं। ये देखिए इक्वली बराबर। अगर मैं नीचे खींचता हूँ देखिए नीचे इस तरह देखिए इक्वली 5 फोटो देखिए इक्वली बड़ा हो रहा। अगर इधर से मैं ड्रैग करता हूँ देखिए 5 फोटो इक्वली, और प्लस ये गैपिंग देखिए, इसका जो गैपिंग जितना मैंने रखा हुआ स्टार्टिंग से, जो गैपिंग भी ऐसा नहीं कि जब ड्रैग करेंगे तो इसको ज़्यादा हो जाएगा इसका कम, जो गैपिंग मैंने रखा हुआ है सेम टू सेम वही गैपिंग में ये इसका साइज इंक्रीज और घट रहा है। फिर से इसको छोटा कर देते हैं, ये देखिए कॉर्नर से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देख सकते हैं। ये देखिए इक्वल बराबर हिसाब से देखिए, देख सकते हैं ये इसका साइज देखिए इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। ये कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो आप एडोबी इन डिज़ाइन का कोई सा भी वर्सन यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए। और फिलहाल मैं एडोबी इन डिज़ाइन CC 2014 का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो काम आपको करना है, फिलहाल मैं इस फ़ोटो को थोड़ा सा यहाँ बीच में रख देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ोटो को ऐसे मैंने लगा दिया इस तरह, जितना जितना गैपिंग आपको रखना है उस तरह फ़ोटो को रख दीजिए। रखने के बाद इक्वली हिसाब से यहाँ से आप गाइडलाइन लेके इसको देख भी सकते हैं। ये देखिए मैंने गाइडलाइन रख दिया, यहाँ से भी देखिए गाइडलाइन लगा दिया, देखिए बराबर रूप से ये देख सकते हैं फ़ोटो एकदम बराबर रूप में सेट रखा हुआ है। अब रहा सवाल आपको फ़ोटो को क्या करना होगा, ये जो पहला वाला जो टूल है सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद फ़ोटो को इस तरह ड्रैग कीजिए, इस तरह फ़ोटो के ऊपर से इस तरह ड्रैग कर दीजिए, मतलब इस तरह आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ड्रैग करना होगा। तो क्या होगा देखिए, सब जो फ़ोटो है सब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपको कंट्रोल दबा के रखना है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का तस्वीर आपको दिख रहा है। देखिए कीबोर्ड में देखिए कंट्रोल की इधर भी है और कंट्रोल की इधर भी है। कीबोर्ड का ये तस्वीर मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ पाएँ। तो कंट्रोल की को दबा के रखना है और उसके बाद क्या करना है देखिए, यहाँ पे जैसे सबको सिलेक्ट कर लिया फ़ोटो को, ये डायरेक्ट से यहाँ पे सिलेक्शन टूल से, और सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉर्नर पे आप माउस पॉइंटर रखिए, उसके बाद कंट्रोल की दबा के रखिए। उसके बाद अगर ऊपर की तरफ इस तरह ड्रैग करते हैं देखिए, ये देखिए 5 फोटो इक्वली यहाँ पर देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। अगर नीचे यहाँ पर भी कॉर्नर पर रखा, कंट्रोल की दबाया, ये देखिए इक्वली देखिए 5 फोटो देख सकते हैं इक्वली, देखिए समांतर रूप से देखिए सब देखिए एक ही साइज से देख सकते हैं सब छोटा बड़ा हो रहा है। अगर बीच से मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए कंट्रोल की दबा के रखा ड्रैग कर रहा हूँ, देखिए 5 फोटो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फोटो देखिए समांतर रूप से देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, देख सकते हैं। अगर छोटा करना ऊपर से भी इस तरह ड्रैग कर दिए, देखिए छोटा कर रहा हूँ, देखिए 5 देखिए एकदम एक लेवल में देख सकते हैं छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको इधर से भी ड्रैग करता हूँ देख सकते जितना छोटा कर रहा हूँ, देखिए प्लस ऐसा नहीं है जो छोटा कर रहा हूँ तो गैपिंग कम हो जाएगा या ज़्यादा, जो गैपिंग मैंने स्टार्टिंग में रखा है फ़ोटो को अगर छोटा कर रहा हूँ तो उस हिसाब से देखिए गैपिंग जो है वैसा का वैसा ही है। देखिए ये देखिए मैं अगर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं इधर ड्रैग भी कर रहा हूँ देख सकते हैं, तो जो गैपिंग मैंने स्टार्टिंग से रखा हुआ तो सेम टू सेम वही गैपिंग है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर गैपिंग भी सेम टू सेम है। कंट्रोल की किधर देख सकते हैं, रखिए माउस पॉइंटर और ड्रैग कीजिए, और इसको मैं फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए आप याद रखिएगा, जब आप पूरा का पूरा जब सिलेक्ट करके रखिएगा तो इस पर मत
क्लिक कीजिएगा, आपको फ़ोटो पे किसी पे भी रखिए, पहले सिलेक्ट करना होगा सबको, और इसको अगर मूव करना है सबको एक साथ तो मूव कर सकते हैं। उसके बाद इसको बड़ा छोटा इक्वली यहाँ से कंट्रोल की दबा के आप कीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब रहा सवाल, इसको अगर घुमाना है, रोटेट करना है ये पाँचों तस्वीरों को, फ़ोटो को, तो कॉर्नर पोर्शन कॉर्नर में रखिए, रखने के बाद कंट्रोल दबाइए, उसके बाद देखिए इक्वली, देखिए यहाँ पर रोटेट हो रहा, देख सकते हैं, ये देखिए इधर से मैं रोटेट करना चाहूँ इधर से रोटेट हो रहा, जिधर से आप कीजिए ये देखिए पांचों, देखिए देख सकते हैं एक ही बराबर में देखिए रोटेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि रोटेट करने जा रहा हूँ तो एक रोटेट हो गया दूसरा नहीं हुआ, इसलिए पांचों तस्वीर, पांच हो, छः हो, सात हो, दस हो, सिर्फ जितना आपको करना है आप कर सकते हैं, सिंपल है, देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग पाँच फ़ोटो या चार फ़ोटो या दो फ़ोटो को इक्वली हिसाब से कैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, कैसे डिक्रीज़ करते हैं, उसको रोटेशन कैसे रोटेट इक्वली कैसे रोटेट करते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं Adobe InDesign से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।